तो सबसे पहले तो सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्लास नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे साथ जुड़कर लगातार आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और आपका जो टारगेट है उसे अचीव करने में एक नया जोश और जुनून आपके अंदर आएगा, जिसकी बदौलत आप कुछ अच्छा स्कोर करके अपने जो टारगेट है उसे प्राप्त कर लेंगे। एक नया सेशन हम यहाँ पर फटाफट दो सेशन चल रहे हैं, इन सेशन में आज का एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम कम समय में अधिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी का काम यह है कि आप जो चीज़ें मैं क्लास में बीच में पूछता हूँ, एक तो उनका जवाब देना और एक इस क्लास का फीडबैक देना कि क्लास से आपके लिए हेल्प रही नहीं रही। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, प्रश्न को ध्यान से देखें। टायर का शीघ्र घिसने का मुख्य कारण क्या होता है? शीघ्र घिसना, स्टेयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण, स्टेयरिंग आर्म सीधी होने के कारण, स्पार्क इग्निशन के कारण, हवा पेट्रोल के मिश्रण के कारण, मिश्रण के कारण। ये इतना सा इसको मिटा दो भाई आप, ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आया तो यहाँ पर भी हवा पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है, स्पार्क प्लग का मतलब नहीं है, सीधी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग आर्म अगर टेढ़ी हो गई तो फिर टायर वो शीघ्र एक साइड से घिसने लगेगा, ठीक है, जिसे हम अनुचित कैम्बर भी बोलते हैं। अनुचित कैम्बर के नाम से भी इसको जानेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। दुर्घटना की सूरत में गोल्डन ओवर के लिए निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है भाई, पहली बात तो याद रखना। दुर्घटना के तुरंत पश्चात से आरंभ हुआ समय, पीड़ित के लिए नाजुक समय, एक घंटा सूर्य उदय के बाद और एक घंटा सूर्यास्त से पहले, गोल्डन ओवर के दौरान में दी गई चिकित्सीय सहायता दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने के अवसरों को बढ़ाती है। आप सभी को पता होगा कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो मोटर व्हीकल एक्ट है MVA, इसकी धारा 2 की 12A, इसमें गोल्डन ओवर के बारे में लिखा गया है और लिखा गया है कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना माना कि दुर्घटना हो गई है, इसके तुरंत बाद का एक घंटा जो है ना, इस एक घंटे में अगर पीड़ित व्यक्ति की आप सहायता करते हैं तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है, उसके जीवन के बचने की सबसे अधिक संभावना है, इसलिए इस जो एक घंटा है इसको गोल्डन ओवर के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस गोल्डन ओवर में जो व्यक्ति घायल व्यक्ति की सहायता करता है वो व्यक्ति कहलाता है नेक व्यक्ति। नेक व्यक्ति, गुड सिमरिटन अंग्रेजी में कहते हैं, गुड सिमरिटन, गुड सिमरिटन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जो जो नेक व्यक्ति होता है इसका उल्लेख है धारा 134A में लिखा गया है, और वो व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी सहायता करता है, कब? दुर्घटना के तुरंत एक घंटे में, बाद में करने वाला नहीं है भाई, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन की धारा के संबंध में गलत कथन बताना है। धारा 134A जो है नेक व्यक्ति से संबंधित है, धारा 199 में नाबालिग द्वारा अपराध, और धारा 194D सीट बेल्ट का उपयोग न करना, धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। यहां पर आप सभी को ध्यान देना है, जो यहां पर धारा 194D है ये आपके हेलमेट के लिए होती है। किसके लिए होती है? हेलमेट के लिए होती है। हेलमेट का उल्लेख है धारा 129 में किया गया है। धारा 129 में ये कहा गया है कि हेलमेट लगाना होगा, नहीं लगाओगे तो धारा 194D के अकॉर्डिंग जुर्माना होगा। जुर्माना कितना होता है? 1000 का जुर्माना यहाँ पर आपके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है, ये सही है, ये गलत है और ये सही है। 184 है जो खतरनाक तरीके से, जैसे कि मोबाइल फोन का उपयोग, गलत ओवरटेकिंग करना, या आप मतलब कि जो है गलत तरीके से रेड जो लाइट होती है उसको क्रॉस कर देते हैं, या स्टॉप लाइन को पार कर देते हैं, या किसी दूसरे व्यक्तियों को खतरे में डालते हैं, तो ये चीजें होती है खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, और इसके तहत 1000 कम से कम, अधिकतम 5000 का जुर्माना देय होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से गलत कथन बताना है। बिना इंश्योरेंस गाड़ी 2000 का जुर्माना, ठीक है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना 1000 नहीं भाई, ये 10000 है, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। बिना परमिट 10000, यातायात को बाधित करना सामान्य अपराध 500, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना धारा 194 के तहत यहां पर 10000 का जुर्माना होता है। फास्टैग के संबंध में भुगतान को सीधे पूर्वदत्त अथवा बचत खाते से संबंधित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसे हवा रोक शीशा यानी विंड स्क्रीन पर चिपका दिया जाता है, यह भी ठीक है, ताकि वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से निकल सके। यह 1 साल के लिए मान्य होता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है यह 1 साल के लिए नहीं, ये लगभग 5 साल के लिए तो वैलिड होता ही होता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है ये 3 गलत हो जाएगा, तो 3 जिसमें है वो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
राष्ट्रीय सहायता नंबर 1033 के बारे में क्या सही नहीं है? नहीं है। आप सभी को पता है 1033 है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे का हेल्पलाइन नंबर होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए 24x7 अद्वितीय कर मुक्त सहायता नंबर है। 24x7 का मतलब है 24 घंटे सातों दिन सप्ताह के। यह व्यापक पहुंच नंबर है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर सभी लोग इसको फोन कर सकते हैं। यह एकल पॉइंट संपर्क है, यह भी ठीक है, यानी एक ऐसा नंबर जहां पर आप सभी प्रकार की हाईवे पर किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए कॉल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को इसके पहले जिला कोड लगाना होगा, जिसे आपको दिल्ली के लिए, ये गलत है भाई, कोई जिला कोड नहीं लगाना, सीधा 1033 डायल करना है। गलत ही पूछा है। ABS का मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सभी जानते हैं, और इसका संबंध ब्रेक सिस्टम से रहता है, गाड़ी को फिसलने से बचाता है। तो ये चीजें भी आप जानते होंगे उम्मीद करता हूं। ब्रेक दबाए हुए हैं फिर भी गाड़ी चल सकती है, ABS की वजह से गाड़ी फिसलती नहीं है। गाड़ी को मोड़ते समय आप ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से मुड़ जाती है और गाड़ी का संतुलन बनाए रखता है। गाड़ी का जो रोड के साथ में संपर्क है वो बढ़िया रहता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब चौराहे की तरफ जा रहे हो तो टक्कर से बचने का बढ़िया तरीका क्या है? भी चौराहे पर जा रहे हैं, टक्कर से बचना है तो आपको ब्रेक लगाओ और आगे जांचो, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ब्रेक लगाकर आपको गाड़ी को धीमी करके आगे जांचना है कि कैसी कंडीशन है। नेक व्यक्ति के बारे में सही कथन बताना है भाई, नेक व्यक्ति जो किसी घायल या पीड़ित व्यक्ति की सहायता करे और अस्पताल तक पहुंचाए, ठीक है। किसी दुर्घटना के तुरंत बाद 1 घंटे में सहायता करने वाला व्यक्ति, ये भी ठीक है। किसी दुर्घटना में घायल की बिना किसी लालच में उसकी सहायता करने वाला आदमी, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक व्यक्ति को अंग्रेजी में बात करता हूं तो गुड सिमेरिटन बोला जाता है भाई, गुड सिमेरिटन। इसका उल्लेख धारा 134A में किया गया है, अभी मैंने बताया था। और गुड सिमेरिटन को यहां पर इनाम के तौर पे जो बढ़िया काम करता है उनको 5,000 रुपए तक का जो इनाम है सरकार देती है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि जितने सहायता करेंगे सबको देंगे, सबको नहीं, यूनिक जो होगा 100 करेंगे तो उनमें से 1-2 को मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अति रफ्तार के बारे में सही क्या है? अति रफ्तार मतलब ओवर स्पीड की बात हो रही है, ओवर स्पीड के बारे में। यह अपराध नहीं है, गलत हो जाएगा। यह अपराध है परंतु आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, गलत है। यह तहरीपी तफरी ही ड्राइविंग का भाग है और कानूनी तौर पर स्वीकार्य, गलत है। यह भी अपराध है जिससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, बिल्कुल। तो यहां पर ओवर स्पीड अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका लागू होगा, यह अपराध भी है और यहां पर आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। और आप धारा 183 के अकॉर्डिंग LMV गाड़ी के लिए और एक HMV गाड़ी के लिए अलग अलग जुर्माना है। LMV के लिए 1,000 से 2,000 है और जो HMV है इसके लिए 2,000 से 4,000 का जुर्माना है। दूसरी बात, गति सीमा का जो उल्लेख किया गया है अति रफ्तार का, उल्लेख 112 में किया गया, गति सीमा कितनी होनी चाहिए, अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो धारा 183 आपके ऊपर लागू होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ड्राइवर आगे फिसलन वाली सड़क का निशान देखता है तो क्या करेगा? सभी को पता है यार, फिसलन वाली सड़क है तो गियर बदलकर रफ्तार धीमी करो और आगे धीरे गति से सावधानी से आगे बढ़ते रहो। स्पीड बढ़ाना, अचानक ब्रेक लगाना, ऐसा काम आपको नहीं करना है। अचानक मोड़ना, ये 3 काम नहीं करने। फिसलने वाली सड़क आ गई है तो अचानक ब्रेक लगाना, स्पीड बढ़ाना, अचानक मोड़ना, ये 3 काम आपको नहीं करने। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताओ, देखा समझ में आ रहा है क्या? मजा आ रहा है ना क्लास में? ठीक है, कमेंट करो यार सभी, करो यार क्लास को, लाइक भी करो। यदि आप ऐसे वाहन को देखते हो जो दुर्घटनाग्रस्त है और चोटिल यात्री वाहन के अंदर है तो आपको चाहिए, आप क्या करेंगे भाई? अगर आप किसी वाहन को देखते हैं जो दुर्घटना में शामिल हो गया है और चोटिल यात्री उसके अंदर फंसे हुए हैं तो आपका दायित्व है कि चिकित्सा सहायता के लिए कोशिश करें और निकटवर्ती पुलिस चौकी में रिपोर्ट करें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सड़क पर जेब्रा लाइनों का मतलब होता है, जेब्रा लाइनों को हम पेडेस्ट्रियन भी कहते हैं, पैदल पारपथ, पादाचारी पारपथ भी कहते हैं, या रेड जो रोड क्रॉसिंग लाइन है वो भी कहा जाता है। तो पैदल जाने वालों के लिए रास्ता होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाहन में गियरबॉक्स का कार्य होता है, गियरबॉक्स का काम होता है इंजन में टॉर्क परिवर्तन, उच्च टॉर्क प्रदान करना, निम्न टॉर्क प्रदान करना, उपयोग सभी कथन सही है। आप सभी को पता है यहां पर जो गियरबॉक्स होता है वो टॉर्क होता है ना, टॉर्क को कम भी करता है, अधिक भी करता है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार टॉर्क प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ABC तीनों ही सही है, डी हो जाएगा इसका। परिवहन वाहन की पहचान कैसे की जा सकती है? लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज बताऊं मैं आपको, अभी एक प्रश्न आया था जिसमें स्पीड, जिसमें आपके जो गियरबॉक्स है, गियरबॉक्स के बारे में दो चीजें थी, एक तो स्पीड आया था और एक टॉर्क आया था।
कि भी इन दोनों में से गियर क्या काम करता है, तो इसमें टॉर्क को सही जवाब माना गया। ये प्रश्न आया था SKNU 2023 का जो पेपर है, ठीक है, तो उसमें प्रश्न आया था। तो आपको याद रखना है, स्पीड और टॉर्क में से आपको एक को चुनना हो तो आपको टॉर्क करना है, हालांकि गियरबॉक्स दोनों काम करते हैं। परिवहन वाहन की पहचान कैसे कर सकते हैं, सभी को पता है परिवहन वाहन का मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जो नंबर प्लेट होती है ना उसका रंग येलो होता है, और इस येलो को देख के आप कह सकते हैं भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी है। प्रश्न 16, वाहन में फ्यूल लाइन चोक होने का क्या मतलब है, चोक होने का मतलब है जाम हो गई है या कचरा आ गया, कचरा धूल कण या मतलब कि बंद हो गई है, क्लोज हो गई है, तो फ्यूल लाइन फट गई हो, फ्यूल लाइन में पानी आ गया है, फ्यूल लाइन में कचरा आ गया है, सभी कथन सही हो जाएंगे। निम्न में से किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी रह सकती है, नो पार्किंग में ऐसे व्यक्ति की गाड़ी खड़ी रह सकती है जो सक्षम नहीं है, जो विकलांग व्यक्ति है ना, तो शारीरिक विकलांग व्यक्ति ही केवल एक अनुमत है, मंत्री हो चाहे आर्मी ऑफिसर हो उनकी नहीं रह सकती भाई नो पार्किंग जोन में, सब पार्किंग जोन में खड़े करो, क्योंकि केवल विकलांग व्यक्ति ही ऐसा होता है जो कि गाड़ी को जो जहां पर वो चाहे वहां लगाने में सक्षम नहीं होता है ना, तो ऑप्शन नंबर एक होगा केवल शारीरिक विकलांग व्यक्ति। आपने एक नई गाड़ी 2016 में खरीदी थी जो कि भारत स्टेज 3 में पंजीकृत है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, आप सभी को पता है कि 2016 में है और 2016 की गाड़ी BS3 की है, तो इसका जो होगा वो 6 माह के लिए होगा, कितने माह के लिए, 6 माह के लिए होगा। यही गाड़ी 2017 अप्रैल में इसके बाद होती तो BS4 की होती, और इसका जो आपका PUCC होता वो 1 साल के लिए होता। आप समझ पा रहे हैं ना क्या मैं कहना चाह रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19, एक नई कार के लिए एक बारी सड़क कर कितने साल, कार की बात आई प्राइवेट व्हीकल है तो RC 15 साल के लिए, फिटनेस 15 साल के लिए, टैक्स 15 साल के लिए, तीनों चीजें 15-15 साल के लिए होती है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। हाथ वाले ब्रेक का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, वाहन को अचानक रोकना, ए गलत हो गया भाई, ये गलत दो तो गलत हो गए, वाहन को अचानक रोकना, रफ्तार को कम करना, वाहन को पार करना, रफ्तार को कम करना, ये भी गलत हो गया दो वाला भी, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल वाहन को पार करने के लिए ही हैंड ब्रेक का प्रयोग कर सकते हो, इसके अलावा केवल आपातकालीन स्थितियों में सावधानी से आप कर सकते हैं लेकिन सामान्य स्थितियों में नहीं। आजकल अधिकतर वाहनों में CNG किट लगाया जाता है, जो निम्न वाहन में लगाया जा सकता है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ए और बी दोनों में, पेट्रोल और डीजल इंजन में CNG नहीं लगाया जा सकता, ये गलत है, और लगवाया तो दोनों में जा सकता है लेकिन डीजल इंजन में लगाओगे तो इसका संरचना पूरी बदलनी पड़ेगी, संरचना ही बदलनी पड़ेगी भाई। तो आसानी से कौन से इंजन में लगाया जा सकता है, प्रश्न जिस हिसाब से पूछा गया वो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल गाड़ी को CNG में आसानी से बदला जा सकता है लेकिन डीजल को नहीं बदला जा सकता आसानी से। प्रश्न संख्या 22, वाहन में बैटरी को टॉपअप करने के संबंध में सही है, टॉपअप करने का मतलब है उसमें वाटर जो लेवल था वाटर लेवल कम हो गया उसमें पानी डालना है। आप सभी को पता है गाड़ी का जो बैटरी होती है बैटरी में पानी प्लस H2SO4 यानी कि जो अम्ल होता है अम्ल का मिश्रण होता है यानी तेजाब का। वाहन बैटरी में पेट्रोल मिश्रित ऑयल डालना जा सकता है, गलत है, वाहन बैटरी में आमतौर पर डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है, ये बात ठीक है। वाहन बैटरी में तेल डाला जाता है, गलत है, वाहन बैटरी में आमतौर पर बारिश का पानी वह नाइट्रिक एसिड का मिश्रण डाला जाता है, यह भी गलत है। तो यहां पर क्या डाला जाता है, यहां पर डिस्टिल्ड वाटर, और यह एक प्रकार का शुद्ध जल होता है, क्या होता है, शुद्ध जल होता है, वाष्प के द्वारा प्राप्त किया गया जल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये मैं जो सटासट या स्पीड से जो सेशन ले रहा हूं ये आपको फायदा करते हैं या नुकसान करते हैं इसके बारे में बताएं, दो चीजें हैं, एक तो हम सेशन को लंबा खींचें और ज्यादा टाइम कंज्यूम करें, एक है कम समय में अधिक जानकारी, तो दोनों में से आप चीजें बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो कर दो यार, एक यूट्यूबर किसके लिए वीडियो बनाता है, लाइक के लिए, ठीक है, और शेयर के लिए, दोनों काम आप नहीं करते हैं फिर गड़बड़ मामला। एक यूट्यूबर ऊपर नहीं आएगा तो उसका मोटिवेशन डाउन होगा और वो मोटिवेट नहीं होने के कारण इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, तो ये काम आपको करना चाहिए, वो आपके हाथ में है और आपके कुछ भी लगता नहीं उस काम में। नए इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में है, ये वाहन बैटरी से चलाते हैं, बिल्कुल ठीक है, इन वाहनों में अधिकतर लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट हरे रंग की होती है, तो तीनों कथन क्या है, सही है भाई, ठीक है। तो धारा मोटर व्हीकल एक्ट है ना, इसकी जो धारा 2(1), इसमें इन सभी वाहनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आप पीली ट्रैफिक लाइट होते हुए सड़क को पार कर सकते हैं यदि दूसरी तरफों से कोई ट्रैफिक न हो, आपने पीली लाइट होने से पहले रुको रेखा यानी कि स्टॉप लाइन को पार कर लिया हो, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज गाड़ी चला रहे हैं, कभी भी नहीं,
आप सभी को पता होगा कि आप पीली ट्रैफिक लाइट होते हुए सड़क को पार कर सकते हैं कब, जब आप चौराहे पर जा रहे हैं। ये आप पर माना कि ये चौराहा है, ये लाइन है, आपकी येलो लाइट होने से पहले आपने स्टॉप रेखा को पार कर लिया है, फिर आपको यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, फिर आपको इसको पार ही करना चाहिए, ठीक है, आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लाइन को पार करने का मतलब है आप चौराहे में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है, जब आप येलो लाइट होने से पहले अगर स्टॉप लाइन को पार कर चुके हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको चौराहे को खाली करना चाहिए, है ना। तो येलो लाइट का मतलब यही है, चौराहा खाली करो या स्टॉप लाइन से पहले रुको। तो ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप किन परिस्थितियों में गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चला सकते हैं? गति सीमा से अधिक गति पर वाहन आप किसी भी परिस्थिति में गाड़ी नहीं चला सकते, चाहे कोई मरता है तो मरे, जीता है तो जिए, लेकिन ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है। आप चलाएंगे तो जुर्माना लागू होगा, और वो भी धारा 112 में गति सीमा का उल्लेख है। उल्लंघन करने पर धारा 183 लागू होती है, एचएमवी गाड़ी के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होती है 80 किलोमीटर यहाँ पर ट्रकों के लिए, बसों के लिए निर्धारित की गई है, और इसके लिए गाड़ी में स्पीड गवर्नर भी आजकल आने लगा है। स्पीड गवर्नर क्या करता है, यहाँ पर फ्यूल सप्लाई सिस्टम में लगा रहता है और वो गाड़ी को 60 की स्पीड से ऊपर बढ़ने से रोकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आप अपने आगे जाने वाले वाहन से आगे निकलने वाले हो तभी यह दाई और मुड़ने का इशारा करने लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए, काफी अच्छा प्रश्न है, यानी आप किसी वाहन को ओवरटेक करने वाले हैं तो वो वाहन जो है वो आगे राइट टर्न लेने का संकेत करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, वाहन को आहिस्ता चलाओ और उसे मुड़ लेने दो, यानी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको गाड़ी को धीमा करना है और उस आगे वाले वाहन को मुड़ने देना है, मुड़ने का वेट करना है, न कि जल्दबाजी करके आपको यहां पर ओवरटेक नहीं करना है। RFID जो टैग है वो उसका पूरा नाम बताना है पहले तो आपको, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग इसका पूरा नाम है, और इसका प्रयोग है वो फास्ट टैग में यहाँ पर जो टोल कलेक्शन होता है, टोल कलेक्शन के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। ये एक तकनीक है जो कि यहाँ पर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी जो मतलब की कंपनी है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये NHAI द्वारा तो काम चला रहा है, कर रही है NPCI, और NPCI इस RFID टैग का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही है। प्रश्न संख्या 28, सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध चिन्ह का हाशिया, हाशिया का मतलब है बॉर्डर, और निषेध का मतलब है आदेशात्मक संकेत होगा, आदेशात्मक, ठीक है, तो लाल बॉर्डर में होगा भी, ऑप्शन नंबर बी। पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, त्रिभुज है, आगे गया, वापस आया, वापस गया, तो रिवर्स बैंड इसे कहते हैं अंग्रेजी में, रिवर्स बैंड, ठीक है। तो मतलब कि ये लेफ्ट में है पहली बात, दूसरी बात ये, तो लेफ्ट में है तो बाई और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। यहां पर एक लेन है, एक लेन ऐसे है, एक लेन यहां भी हो सकती है, तो यहां पर ये दूसरी वाली लेन क्या है, इसमें पहले वाली में मिल रही है, मतलब कि यहां पर एक मल्टीपल लेन थी, तो हम कह सकते हैं कि आगे लेन बंद है, ये लेन बंद होके इसमें मिल रही है, बिल्कुल ठीक है। बहुलेन वाले राजमार्ग पर प्रयोग होती है, बहुलेन का मतलब मल्टी लेन वाले पर, बिल्कुल ठीक है। लेन की संख्या में कटौती की चेतावनी है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक त्रिभुज है जिसमें एक राउंड अबाउट बनाया गया है, यानी गोल चक्र, चौराहे का संकेत है, तो यहां पर आगे क्रॉस, चौक या चौराहा यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक संकेत यहां इस टाइप से है, तो यहां भी मुड़ सकते हैं, यहां भी मुड़ सकते हैं, और ये यू टर्न के पास में होता है, तो आगे सड़क में गैप है, मीडियम में वक्फा गैप इन मीडियम, आगे चार मार्गी क्रॉसिंग है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर तो आगे सड़क में गैप है, बिल्कुल गैप इन मीडियम और मीडियम में वक्फा, दोनों चीजें सही हो जाएगी, एक और दो, ऑप्शन नंबर यहां पे दो हो जाएगा, एक और दो, दोनों कथन क्या है, ये सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहूंगा, ये जो संकेत है ना, ये यू टर्न से पहले होता है, यू टर्न से ठीक पहले होता है, हमेशा याद रखना आप, क्योंकि ये स्थान यू टर्न लेने का संकेत होता है। पिक्चर है, यहां पर आपको जाली दिख रही है सीधी, और जाली दिखने का मतलब है रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन वो भी गार्डेड, यानी गार्ड के साथ, तो रक्षित रेलवे फाटक, अगर सीधी ट्रेन होती धुआं निकलता होता तो ये आरक्षित हो जाता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में यहां पर गहराई इसी दिखाई जा रही है, और गहराई का मतलब है यहां पर खतरनाक ढाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, टायर मार्किंग 185/65R16 के संबंध में गलत कथन बताना है। 185 इसकी सेक्शन हाइट है, और जो इसका 65 है इसका सेक्शन हाइट है, और R रेडियल टायर है, 16 इसका डायमीटर है, ठीक है, तो 16 इसका डायमीटर है, तो टायर की चौड़ाई 185, टायर की विड्थ जो है 185 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं भी ये MM होगी, यह गलत हो जाएगा पहली बात तो। 185 का 65% टायर की हाइट है,
ये भी सही है। टायर का अंदरूनी डायमीटर 16 इंच है, ये भी ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आपके सामने, कौन सी आदत आपको चोट के जोखिमों को कम कर सकती है। चोट के जोखिमों को केवल यहां पर एक तो हो जाएगा सुरक्षा बेल्ट लगाना, ये बात तो ठीक है, और अल्कोहल लेना सीमित करना, उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन लेना सीमित करना। तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है, इंजन की कार्य प्रणाली में 4 स्ट्रोक का सही क्रम होता है। 4 स्ट्रोक होता है, कोई भी इंजन होता है ना उसको 4 काम करने पड़ते हैं, वो 4 काम कौन कौन से हैं, तो यही आपको देखना है। तो सबसे पहले सक्शन होता है, सक्शन हो गया, चूषण हो गया, सक्शन हो गया, कंप्रेशन, संपीड़न, ये भी ठीक है, ये निकास गलत, शक्ति ये ठीक है, ये पावर भी ठीक है, तो ये 2 तो गलत हो गए अभी, ठीक है। अब और निकास और शक्ति, अब देखो पावर भी है शक्ति भी है दोनों है, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या आपके सामने 38, प्रोपेलर शाफ्ट निम्न को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रोपेलर शाफ्ट एक साइड तो गियर को जोड़ती है, दूसरी साइड डिफरेंशियल को जोड़ती है, तो यहां पर गियर बॉक्स और डिफरेंशियल ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। स्टीयरिंग का भाग नहीं होता, रेक एंड पिनियन, टाई रोड, हुक्स जॉइंट, रिंग एंड पिनियन गियर। रिंग एंड पिनियन गियर है ये आपके स्टीयरिंग का भाग नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ड्राइविंग करते समय यदि आपका सेलफोन बजता है आपको करना चाहिए क्या करना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान अगर आपका कॉल बजता है तो आपको उस कॉल को वॉइस कॉल में जाने दिया जाना चाहिए, आपको उठाना नहीं चाहिए, उठाना है तो वाहन को गाड़ी को रोक कर। रास्ता दो चिन्ह यानी कि गिव वे चिन्ह की बात हो रही है, गिव वे। सकल में तिकोना सही है, लाल हाशिए से रंगा हुआ ये भी ठीक है, सफेद पृष्ठभूमि ये भी ठीक है, 1, 2, 3 सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 42, निम्नांकित में से कौन सा चेतावनी चिन्ह नहीं है। चेतावनी चिन्ह नहीं है, रेलवे फाटक त्रिभुज में है, नाका, पेट्रोल पंप है, और मेडिन में दूरी। तो ये जो है सभी के सभी क्या है यहां पर चेतावनी है, सिवाय पेट्रोल पंप को छोड़ के। पेट्रोल पंप का क्या है, चौकोर आकृति में होता है जो कि सूचनात्मक संकेत होता है, ठीक है, सूचना या सुविधा। प्रश्न संख्या 43, ट्रैफिक चिन्ह ओवरटेकिंग मना है। ओवरटेकिंग गोल एरो, ऐसा एरो इसको काटा गया, तो अधिदेश प्राप्त चिन्ह, सूच सचेतक, सूचना, चेतावनी, तो अधिदेश चिन्ह होता है ये, और आदेशात्मक आदेश देता है कि भी आपको ओवरटेक नहीं करना है। ओवरटेकिंग मना का मतलब है ओवरटेकिंग नहीं करना है। SAE 90 गियर ऑयल का उपयोग नहीं किया जाता है, गियर में, डिफरेंशियल में, स्टेयरिंग में, क्लच और इसमें। तो यहाँ पर देखो गियर बॉक्स में किया जाता है, डिफरेंशियल में किया जाता है, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि स्पेशल ग्रेड आता है TQ OTF और STQ STF, तो ये ग्रेड होते हैं, लेकिन स्टेयरिंग में भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है, क्लच में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्लच में DOT और 30 और 40 का इस्तेमाल किया जाता है। चोक कब इस्तेमाल किया जाता है, चोक आप सभी को पता है, पहले तो नाम आया चोक, चोक आते ही कह सकते हो पेट्रोल इंजन है, पहले तो नाम आते ही पेट्रोल इंजन है, और दूसरा जब इंजन गर्म है, नहीं होता गर्म, नहीं ठंडा है, तब किया जा सकता है बिल्कुल, जब इंजन धुआं दे रहा है नहीं, और उपरोक्त सभी, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी, जब इंजन ठंडा होता है तो चोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चोक का इस्तेमाल करने से फ्यूल और हवा की जो मात्रा है उसमें फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा। प्रश्न 46, असंतुलित व्हील को सुधारने का सही तरीका क्या है। गोल पहिया है ये, इसकी रिम है इसके, यहां पर देखो यहाँ पर कॉर्नर पे छोटा मोटा लोहा जो है लीक या कील जो भी है, यहाँ पर बेल्ट की होती है या कुछ लगा हुआ होता है, हम सोचते हैं इसको यहाँ पर बेल्ट क्यों किया, रिम टूट गई होगी, ऐसा नहीं होता। वो एक व्हील बैलेंस बनाते समय वहां पर क्या किया जाता है, व्हील वेट संलग्न किया जाता है। असंतुलित व्हील को सुधारने का सही तरीका है, टायर दाब समायोजित करें, स्प्रिंग तनाव सही रखें, टायर को घुमाकर उचित पोजीशन पर व्हील रिम के साथ उचित भार संलग्न करके। यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, डीजल इंजन के शाफ्ट का चक्कर नापते हैं। डीजल इंजन में शाफ्ट का चक्कर मापते हैं किसके द्वारा, एक आरपी मीटर होता है, आरपी मीटर को रिवोल्यूशन पर मिनट भी कहते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है टेकोमीटर, यहां पर लिखा हुआ भी है, तो यहां पर यह टेकोमीटर हो जाएगा। घूर्ण चाल मापी इसको कहा जाता है, घूर्ण चाल मापी, घूर्ण चाल मापी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि डीजल इंजन के शाफ्ट का चक्कर टेकोमीटर मापता है, टेकोमीटर आरपीएम बताता है, और गाड़ी की जो आइडल स्पीड होती है उसके बारे में भी बता देता हूं। आइडल स्पीड, तो आइडल स्पीड 750 आरपीएम यहां पर होती है, आपको ध्यान रखना है। तो डीजल इंजन में शाफ्ट के चक्कर टेकोमीटर,
टेकोमीटर को घूर्ण चालमापी कहते हैं, जो कि इंजन शाफ्ट के चक्कर बताता है। डीजल इंजन में ये तो हो गया, गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट चलता रहता है। क्यों? क्योंकि इंजन गर्म होता है, और ये डीजल गाड़ी में नहीं होता, केवल पेट्रोल गाड़ी में यहाँ पर होता है। तो इस प्रश्न का होगा जवाब, इंजन के अधिक गर्म होने पर यह क्या होता रहता है, बंद सॉरी रेडिएटर फैन घूमता रहता है। प्रश्न संख्या 49, लुब्रिकेशन सिस्टम को कैसे ठंडा किया जाता है, ऑयल कूलर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंजन में जहां पर ऑयल भरा जाता है उसके संबंध में गलत कथन बताओ। ऑयल जहां पर भरा जाता है उसको ऑयल चैम्बर के नाम से जानते हैं, ऑयल चैम्बर उसे कहते हैं। ऑयल फिल्टर को सिलेंडर में हेड में लगाया जाता है, पुराने ऑयल को बाहर निकालने के लिए ऑयल चैम्बर के नीचे लगा ड्रेन प्लग खोला जाता है। इंजन ऑयल को ऑयल चैम्बर या ऑयल सम्प में भरा जाता है, और ऑयल सम्प या ऑयल चैम्बर को ऑयल पेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर एक ऑयल फिल्टर को सिलेंडर हेड में लगाया जाता है गलत हो जाएगा, ऑयल फिल्टर को सिलेंडर ब्लॉक में लगाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आज हमने फिर से एक नया सेशन 50 प्रश्नों का लिया, और सटासट स्पीड से मैंने ये प्रश्न करवाने का प्रयास किया है। 25-26 मिनट का समय लगा और 50 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अमूमन आप सभी को पता होगा हमारा जो लाइव सेशन होता है वो 50 प्रश्नों का होता है, और लगभग 2 घंटे का टाइम हम लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम भी चाहते हैं कि आपका समय बचे, समय बहुत ही कम है। साथियों आज की क्लास अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप इस सेशन को शेयर लाइक आप कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इससे जुड़ें और अपना फ़ायदा उठाएं। और सभी साथी आप पे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को, इस वीडियो को आप अपने प्रिय मित्र जो हैं उनको कम से कम 10 मित्रों को आप भेज दें, तो आपसे ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम जो आपको पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हमारे पास में संसाधनों की कमी है। जहाँ पर बेस्ट कंटेंट होता है वो छिप क्यों जाता है? हम यहाँ पर हमारी वीडियोज को लोग ज़्यादा क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमारे पास में जो है संसाधनों की कमी है। लेकिन हम पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर पढ़ाने में कोई कमी है तो आप मुझे बताएं, पढ़ाने में कंटेंट में कोई कमी है, समझाने में कोई कमी है, हमें पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो आप बताएं मुझे। लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं करते, तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ताकि हमारी जो वीडियोज है ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाए और कुछ अच्छा हमारे लिए भी हो जाए, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप ये काम जरूर करेंगे। तो इस क्लास का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।